हेलो फ्रेंड, वेलकम टू धीरू फार्मा। धीरू फार्मा में आपका स्वागत है। मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए बनी रही है हमारी यूट्यूब चैनल धीरू फार्मा पर। तो फ्रेंड, आज हम आपसे बात करने वाले हैं टिगोडर्म ट्यूब के बारे में कि यह क्यों यूज होता है, किन किन व्यक्ति को यूज करना चाहिए, किन किन व्यक्ति को यूज नहीं करना चाहिए, और इसके अंदर कौन कौन सा ड्रग पाया जाता है, और इसके यूज करने का तरीका क्या है, इसकी प्राइस क्या है। आज हम आपको टिगोडर्म ट्यूब के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड, पहले बात करते हैं इसके कॉम्बिनेशन के बारे में कि इसमें कौन कौन सा ड्रग पाया जाता है। तो फ्रेंड, इसके अंदर पहला ड्रग है बेक्लोमेथाजोन, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो स्वेलिंग को कम करता है और रेडनेस को कम करता है। और दूसरा ड्रग है इकोनाजोल, जो एंटी फंगल ड्रग है, जो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, फंगल इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो फ्रेंड, तीसरा ड्रग है न्यूमाइसिन, जो एंटीबायोटिक ड्रग है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करता है, बैक्टीरिया के कारण जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करता है और बैक्टीरिया के ग्रोथ को बढ़ने से रोकता है। तो फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके यूज के बारे में कि यह क्यों यूज होता है, किस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, यह ट्यूब फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करता है, जैसे कि आपको दांत, खाज, खुजली, आपको कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसके लिए यह ट्यूब बहुत ही अच्छा कार्य करता है। जिन लोगों को जांघों के बीच में दाद हो जाती है या खुजली हो जाती है, उनके लिए यह ट्यूब बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आजकल अधिकतर लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जांघों के बीच में खुजली हो जाती है और उन्हें उठने, बैठने, चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उन लोगों के लिए यह ट्यूब बहुत अच्छा कार्य करेगा। तो फ्रेंड, ऐसी समस्या के लिए इस ट्यूब का आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, बात करें इसकी MRP की, तो इसकी MRP 60 से 70 रुपए की MRP के साथ 15 ग्राम के वेट में आपको यह ट्यूब मिलेगा। तो फ्रेंड, जैसे जैसे इसका वेट बढ़ता जाएगा, इसकी MRP भी बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड, यह आपको किसी भी वेट में किसी भी MRP के साथ आपको मार्केट में मिल सकता है। तो फ्रेंड, इसका कोई इशू नहीं है। तो फ्रेंड, बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो फ्रेंड इसका कोई स्पेशली साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फिर भी अगर आपको किसी भी ड्रग से कोई एलर्जी है तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि रेडनेस, खुजली, जलन वलन, ऐसी भी कोई भी समस्या आपको देखने को मिलती है, तो फ्रेंड आप इस ट्यूब को लगाना बंद कर और अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर सलाह लें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।